नमस्कार दोस्तों, दिलीप भाई पानीपुरी में आपका स्वागत है। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि हमारा 10 लीटर का जो पानीपुरी का मशीन है, इसको असेंबल कैसे किया जाता है उसका हम आपको एक मेमो दे रहे हैं। तो उसी तरीके से आप आपके यहाँ पे जो भी आप शहर में हमारी मशीन बुलाते हो, दिलीप भाई पानीपुरी की 10 लीटर का जान आता है, कस्टमर बुला लेता है, लेकिन इसको असेंबल कैसे करना है उसके हम आपको एक तरीका बता रहे हैं। देखिए, एक 10 लीटर का जार आता है पानीपुरी का। सबसे पहले 10 लीटर का जार है, उसके बाद में ये दो ढक्कन आते हैं, एक ये वाला ढक्कन आता है, एक ये वाला ढक्कन आता है। पहले हम आपको पूरा सामान बता दे रहे हैं, उसके बाद में एक ये पाइप आता है, उसके बाद में दो पंप आते हैं। ये वाला पंपिंग वाला पाइप रहता है, ये वाला मिक्सिंग वाला पाइप रहता है। देखो, ग्रे कलर का जो पाइप है इसमें से पानी बाहर निकलता है, ऑरेंज वाला जो पाइप है टैंक के अंदर मिक्सिंग करता है। उसके बाद में एक इसका ये एडाप्टर आता है, इस तरीके का एडाप्टर आता है जिसमें रेड कलर का लाइट रहता है, और एक पानी का मशीन रहता है, इसको हम हमारी भाषा में बोलते हैं हेड। इसमें देखिए, ML सेटिंग का बटन रहता है और प्रेशर का बटन रहता है। ML सेटिंग में आपको जितना ML पानी चाहिए उतना ML आप पानी निकाल सकते हो, आपको प्रेशर कितना चाहिए उतना प्रेशर निकाल सकते हो। इसमें दो तरीके का रहता है कि जितना लंबा आवाज़ आता है उतना लंबा पानी गिरेगा, जितना कम आवाज़ आएगा उतना कम पानी गिरेगा। अब इसको असेंबल कैसे करते हैं हम आपको वीडियो बताते हैं। सबसे पहले आपको ये पाइप लेना है, इस पाइप को इस तरीके से खोलना है, उसमें से दो रबर की रिंग निकलेगी, ये वाली दो रबर की रिंग निकलेगी, इसमें से आपको एक रबर की रिंग निकालना है ताकि आपका पानी 12 घंटे ठंडा रहेगा। ये वाले ढक्कन में इसको इस तरीके से लगा देना है, ये वाली रिंग पीछे से लगाना है, और इसको आपको इसको टाइट कर देना है। नॉर्मली टाइट करिएगा, बहुत ईजी तरीके से, बहुत अच्छी तरह से टाइट हो जाएगा, तुरंत टाइट हो जाएगा। उसके बाद में ये पंपिंग वाला जो पाइप है ये इसके नीचे से डालना है, ये वाला भी इसके नीचे से डालना है, ये देखिए दोनों पाइप ऊपर आ गए, और इसको इसके पानी के अंदर छोड़ देना है। उसके बाद में ये जो हेड है, अभी देखिए इसमें कैसे बहुत कंफ्यूजन होता है, ये देखिए ग्रे कलर वाले पिन में ग्रे कलर का ही लगाना चाहिए, ऑरेंज वाले पिन में ऑरेंज कलर का लगाना चाहिए। ये देखिए हमारा लग गया, और ये वाला जो पंपिंग वाला पाइप है इस नोजल में प्रेस कर देना चाहिए, जब तक कि आप उसको प्रेस करोगे नहीं अंदर घुसेगा नहीं। और निकालने का तरीका ये वाला बटन दबा के ही इसको निकालना चाहिए, देखो बटन दबा के ही निकल जाएगा। अभी हमारा हो गया दिलीप भाई पानीपुरी का मशीन रेडी, अभी इसको हम ऑन करते हैं। इस तरीके से ऑन है, ये एडाप्टर की पिन है, देखिए ये मशीन ऑन हो गया है। अभी हम इसमें पानी निकालते हैं, देखिए कितने आपको कितने एमएल चाहिए उतना पानी हम सेट कर सकते हो, बहुत ही इजी तरीके से ये मशीन बना है। अब आपको हम इसमें बना रहे हैं, एक चीज आपको हम बता दे रहे हैं वो आप ध्यान से सुनिएगा, 3-4 महीने के बाद में इसका पंप अगर आपका बंद होता है, दोनों पंप में से अगर कोई भी पंप आपका बंद होता है तो एडाप्टर की लाइट बंद चालू होती है। ये वाली एडाप्टर की लाइट बताइए, देखिए ये वाली लाइट बंद चालू होती है तो कस्टमर बोलता है कि इसमें तो पानी बाहर नहीं आ रहा है। देखिए हेड में कोई प्रकार की शिकायत नहीं रहती है, सिर्फ शिकायत रहती है, तो हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए ये वाला समझो, ये वाला पंपिंग वाला है, तो इसमें एक पाइप लगा रहता है, वो आपका पंपिंग वाला रहता है। चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप आपके घर पे ही तुरंत इसको चालू कर सकते हो। अगर जिस दिन भी ये पंप बंद होगा तो इसमें पानी आना बंद हो जाएगा, तो आपको चिंता करने की गरज नहीं है। आप मशीन खोलने के बाद में पंप बाहर निकालने के बाद में देखो इसमें एक एस्ट्रा निशान बना है, ये वाले नोजल के बाद में एस्ट्रा निशान बना है। इसको आप आपके घर में लकड़ी से इस प्रकार ठोकनेगा, जैसे आप इसको ठोकेंगे तो आपका पंप शुरू हो जाएगा, चिंता करने की गरज नहीं, आपका बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। और ज्यादा से ज्यादा हमारी मशीन बुक कराइए, धन्यवाद। देखिए ML सेटिंग और प्रेशर बटन, ये दो ही बटन इसमें चेक करना, बाकी कुछ नहीं करना।